खरपतवार नाशी कौन सी देनी चाहिए, खरपतवार नाशी देने का सही समय क्या रहता है, इन सारी बातों के साथ मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप धान की फसल में काफी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और खर्चा भी आपका कम हो जाएगा। किसान भाइयों, खरपतवार नाशी के बारे में बात करें तो किसान भाई रिफिट या बूटा क्लोर इसको भी देते हैं और अक्सर किसान भाई उर्वरक के साथ भी मिलाकर देना चाहते हैं, उनको काफी आसानी रहती है। तो मैं जो तरीका प्रयोग करता हूं वो मैं आपको बताता हूं कि MOP जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है इसको भी हम इसी समय दे रहे होते हैं, तो MOP के साथ में भी आप इसे मिलाकर दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। जैसे कि बूटा क्लोर है या प्रिटीला क्लोर है, अधिकतर किसान भाई इन्हीं का प्रयोग करते हैं। बूटा क्लोर जो है 25% इसी में एक आती है, दूसरी जो तरल में आती है वो है 50% EW में। तो EW और EC में दोनों में आती है, तरल वाली होती है उसके बारे में भी अब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि जो प्रोटीला क्लोर है वो भी तरल में भी आती है और ऐसे भी आती है। जो ऐसे आती है 50% EC में आती है, तरल में जो आती है उसे रिफिट प्लस नाम से जाना जाता है, जो 37% EW में आती है। EW में जो आती है वो तरल वाली होती है। इनको किसान भाई क्या कर सकते हैं, पानी भराव के साथ में जैसे कि डिब्बा इत्यादि जो है उसमें छिद्र बनाकर या ऐसे ही छिटके दे सकते हैं जो बूंदें गिरती हैं। इसमें एक दिक्कत ये रहती है कि जो भी हम दवा छिड़काव करते हैं डालते हैं, जो बूंदें गिरती हैं वो फैल जाती हैं, ऊपर एक लेयर बन जाती है जो हमारी फसल में उग रहे खरपतवारों को रोकती है और उनके निकलने से बचाती है। ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट तब दे पाती है जब इसको हम रुपाई के बाद प्रयोग करें, यानी खड़ी फसल जब हो फसल में इसको हम छिड़काव करेंगे रुपाई के बाद तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। वहीं अगर हम इसे पहले डाल देते हैं बाद में रुपाई कराते हैं तो जो लेबर इत्यादि होते हैं जब वहाँ पर निकलते हैं इनके पैर के गड्ढे बनते हैं तो वो लेयर टूट जाती है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो खरपतवार हैं वो निकल आते हैं वहाँ पर लेयर वो नहीं बन पाती है। तो इसका प्रयोग हमेशा तभी करें जब आपकी फसल में रुपाई हो चुकी हो और उसमें कोई लेबर इत्यादि या कोई भी मशीन नहीं चलनी हो, तब इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अन्यथा आप बूटा क्लोर जो 50% EC में आती है या प्रोटीला क्लोर जो 50% EC में आती है उसी का आप प्रयोग करें।